यशोदा मैया ने वो डिटर्मिनेशन बनाए रखा और उसको बढ़ाया और मेहनत बहुत कठिन है इस तरह कार्य करना। हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद की लाइफ में किस तरह वो 40 साल उन्होंने प्रयास किया और इंडिया में प्रचार, उनके गुरुदेव ने उनको 1922 में इंस्ट्रक्शन दिया था कि तुम्हें विदेश में जाके प्रचार करना है। तो उस प्रचार के इंस्ट्रक्शंस को लेके उन्होंने प्रयास शुरू किया, अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहे थे, अलग अलग अटेम्प्ट लिए। उन्होंने झांसी में प्रयास किया, प्रिंटिंग के माध्यम से प्रयास किया, मैगजीन प्रिंट करते थे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, लेकिन हर तरीके से वो फेलियर आ रहा था, असफलता मिल रही थी। और एक साल असफलता मिल रही थी, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल असफलता, कितना बड़ा गैप है। और ये लंबा गैप, इतना असफलता मिली और साथ में थकान के हम बोल सकते हैं कि बॉडी भी 70 साल की उम्र हो गई थी, तो शरीर भी 70 साल की उम्र हो गई अभी, तो शरीर की भी अपनी एक कैपेसिटी है। असफलता इतनी मिली है और लोग भी बहुत कुछ बोलते थे, स्वामी जी नहीं कर पाएंगे ये। तो जिस तरह यशोदा मैया जिस तरह फेस सिचुएशन करी प्रभुपाद की लाइफ में उस तरह, लेकिन प्रभुपाद का डिटर्मिनेशन कम नहीं हुआ, नहीं बोले मुझे करना ही है, अपने गुरु का आदेश है, पालन करना है। 70 साल की उम्र में वो अमेरिका जाने के लिए तैयार हो गए। तो दृढ़ निश्चय इस तरह बनाए रखना बहुत कठिन है, लेकिन भगवान के भक्तों के जीवन में इस तरह होता है कि वो अपने दृढ़ निश्चय बनाए रख सकते हैं। यशोदा इस तरह बना के रखा, प्रभुपाद जी इस तरह दृढ़ निश्चय लास्ट मोमेंट तक बना के रखें।